स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म। बेसिकली एटॉमिक एटम्स की वजह से भी मैग्नेटिज्म होता है। यू नो एटम इज मेड अप ऑफ एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, तो उनके उनकी दो तरह की मोशन होती है। एक उनकी स्पिन मोशन होती है, एक ऑर्बिटल मोशन होती है। उस स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से वो जो एटम है उसका उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। खैर वो बहुत कम मैग्नेटिज्म होता है, पर फिर भी ड्यू टू दिस स्पिन मोशन ऑर्बिटल मोशन दी इलेक्ट्रॉन्स जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसको हम एटॉमिक मैग्नेटिज्म भी कहा करते हैं। उसमें यही कंसीडर किया गया, यही बताया गया है। इसके साथ साथ let us consider a simple model in which electron moves in circular orbit in an atom. The magnetic dipole moment mu is equal to I into A, where I is the effective current associated with the circulation of electrons. Sorry, but मैंने आपसे बताया ना आपको कि इस टॉपिक को पढ़ने का सिर्फ और मकसद एक ही है, वो यही है कि एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर मोशन, ये भी याद रखिएगा कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो दो तरह से, एक स्पिन मोशन एक ऑर्बिटल मोशन। ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड। तो ये कुछ मेन डिस्कशन तो यही है। फॉर्मूलास अब ये भी आपने ध्यान में रखा कि इलेक्ट्रॉन की जो बाकी आपकी इसकी रीडिंग है ताकि आपको आइडिया हो कि हाउ टू रीड दिस। एक्चुअली न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म जो है ये न्यूक्लियस से रिलेटेड, यू नो न्यूक्लियस दो चीजों पर कॉन्शियस करते हैं, प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स। अब जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो इतने रैंडमली मूव नहीं कर सकते जितना कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए समहाउ जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो एटम के न्यूक्लियस की वजह से होता है, पर चूंकि वो बहुत ज्यादा वीक होता है इसलिए इतना कंसीडर में नहीं लाया जाता, क्योंकि न्यूक्लियस की स्पिन मोशन का रहा इसलिए जो न्यूक्लियस में मुझे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी जो ऑर्बिटल मोशन हो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म पर वो इतना एलिमेंट शेप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसको कंसीडर भी नहीं किया। मेजर जो मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से। एक मेरे पास टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन। यू नो मैग्नेटाइजेशन किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। For example, iron is best example of this. तो कोई भी मटेरियल अपनी मैक्सिमम हद तक जो मैग्नेटिज्म शो कर सकता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन बेसिकली एक फिनोमिना है जो कि आपको ये बताता है कि इसमें कितनी
एबिलिटी है किसी भी मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म शो करने में। ये भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स को दो तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है, तीन तरह से। पैरा मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। इनको अंडरस्टैंड करने का तरीका रहा। पैरा मैग्नेटिज्म, कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट शो करते हैं, मैग्नेटिज्म शो करते हैं, ड्यू टू द ऑर्बिटल स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे रिसेंबल लाइक अ शॉर्ट बार मैग्नेट, उसमें समहाउ मैग्नेटिज्म होता है पर इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो बिहेव करते हैं एज अ टिनी बार मैग्नेट के तौर पर। ऐसे तमाम के तमाम मटीरियल्स को पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स कहा जाता है। तो इसमें यही मेंशन किया जा रहा है। जो हमारे पास डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिनमें ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिज्म वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। देयर इज नो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से ये मैग्नेटिज्म को शो नहीं कर पाता। कैंसिल मैग्नेटिज्म में होते नहीं है। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिनमें जो ऑर्बिटल स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं ये ज्यादा यूजफुल होते हैं। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया, क्यूरी टेम्परेचर, तो उसको याद रखिएगा। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, मतलब आप किसी भी जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बहुत ज्यादा हीट करोगे, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा गर्म करोगे, तो डेफिनेटली उसमें खास तरह की डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स बेसिकली कहते हैं छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं विद इन दी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डोमेन्स। वो डोमेन्स खास तौर पर अलाइन होती हैं इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होता है। पर चूंकि इस केस में अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हो एट हाई टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डोमेन्स होती हैं वो अलाइन रह जाती हैं, उनकी अट्रैक्शन डिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वो उनकी डोमेन डिस्टर्ब हो जाती है, उनमें इररेगुलरिटी आ जाती है, तो वो फिर ब्रेक डाउन कर जाते हैं। आयरन नहीं ब्रेक डाउन करता, हमें मौजूद डोमेन्स ब्रेक डाउन करती है। जिस खास टेम्परेचर पे डोमेन्स ब्रेक करती उसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ये भी टेम्परेचर करते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन की एग्जाम्पल 770 सेल्सियस से अबव आयरन पैरामैग्नेटिक है, नॉट फेरोमैग्नेटिक। हालांकि आयरन एक टेम्परेचर ऑफ गैडोलिनियम मेटल इज 16 एट रूम टेम्परेचर, गैडोलिनियम इज पैरामैग्नेटिक, वाइल एट रूम टेम्परेचर बिलो गैडोलिनियम इज फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। तो अबव फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, सॉरी अबव क्यूरी टेम्परेचर कोई भी मटीरियल पैरामैग्नेटिक होगा, ना कि फेरोमैग्नेटिक। ये कर्व आपने इसको इन क्लास सेकेंड में भी डिस्कस किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस कर्व भी कहलाती है। बेसिकली ये किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज या डी मैग्नेटाइज करने के लिए बताते हैं। कितना इजी और कितना डिफिकल्ट है किसी भी मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक, स्पेशली फेरोमैग्नेटिक मटीरियल को मैग्नेटाइज करने में और डी मैग्नेटाइज करने में। तो इसमें मुख्य तरह के टर्म्स हैं जिसमें मैंने शेयर किया, मैग्नेटिक डोमेन्स हैं,
इसको रीड आउट करिएगा, ऑलमोस्ट ये सारा का सारा वही टॉपिक है जो कि आप लोगों ने पढ़े हुए हैं।